हाय एवरीवन, वेलकम है आपका समद किचन में। आज की हमारी जो स्पेशल रेसिपी है वो है ईद उज़ुहा स्पेशल, और उसका नाम है नमक मिर्च ड्राई मटन, जो कि बनाने में है बहुत ही आसान और टेस्ट में है लाजवाब। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें समद किचन को और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी बिल्कुल फ्री में। मिर्च का फ्राई गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है मटन, वो भी छोटे पीसेस में कटा हुआ विद बोन्स के साथ छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ। आप ये मटन ले लीजिए, उसको धो के साफ़ कर लीजिए, और उसके साथ 15 कलियाँ करीब लहसुन, और ये है अदरक, और ये है हमारा लाल मिर्च, 4 से 5 लाल मिर्च हैं, और ये है एक छोटा कटा हुआ प्याज, और यहाँ पे है एक कटोरी कटी हुई धनिया, और ये हैं 4-5 हरे मिर्चे। तो अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला थोड़ा सा हमको ध्यान से तैयार करना है, इसमें बहुत ही कम चीज़ें पड़ रही हैं। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लहसुन, अदरक और ये मिर्च, लाल मिर्च को लेके हम इसको दरदरा पीस लेंगे, बहुत महीन नहीं करना है हमको इसको। तो मैं आपको पीस के दिखाती हूँ इसको कैसे पीसना है। तो देखिए इस तरह हमको मसाला पीसना है, थोड़ा मोटा, बहुत महीन नहीं करना है। एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लेके गरम कर लिया है, और ये इसमें प्याज डाल के अब हम प्याज को तल लेंगे। तो जब तक प्याज तल रही है मैं आपको कुछ बातें ध्यान रखने वाली बता देती हूँ, जिसमें पहला है काम कि आपको मटन की छोटे छोटे पीस लेना है विद बोन्स, बड़े बिल्कुल पीस मत लीजिएगा। और सेकेंड नंबर पर है कि आपको मसाले को थोड़ा मोटा पीसना है। तीसरा है कि आपको सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना है। चौथे नंबर पे प्याज को बहुत कम लें, थोड़ी सी प्याज डालें, ज़्यादा प्याज ना डालें। पांचवा है कि गरम मसाला इसमें बिल्कुल नहीं पड़ेगा, गरम मसाला नहीं डालना है। तो अगर ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी ये रेसिपी बिल्कुल वैसे ही ऑथेंटिक रेसिपी बनेगी जैसे कि मैं बताना चाह रही हूँ। अगर नहीं आप फॉलो करेंगे तो बन जाएगा, कुछ तो बन ही जाएगा, पर वो चीज़ नहीं बनेगी जो मैं बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें डाल देते हैं मटन, और उसके साथ भी इसको फ्राई कर लेंगे जब तक इसका पानी जो भी निकलेगा वो सारा सूख जाएगा और मटन का कलर भी चेंज हो जाएगा। तब तक हम इसको फ्राई करेंगे, और आंच को आप मीडियम कर लें। इस बीच और इसके साथ साथ इसमें डाल देंगे नमक, डाल के अच्छी तरह से मिला दीजिए और इसको फ्राई होने देते हैं। तो अब मटन फ्राई हो चुका है, इसमें अब हम डाल देंगे मसाला अपना, और इसके साथ भी इसको धीमी आंच पे 2 मिनट तक भुन जाने देंगे। चला दीजिए अच्छी तरह से ताकि मसाला चारों तरफ मिक्स हो जाए मटन में, और इसको थोड़ी देर ऐसे ही तलते हैं इसके साथ। ये जो नमक मिर्च वाला मटन ड्राई रेसिपी है ये हमारी फैमिली की रेसिपी है, इनफैक्ट ये मेरी नानी के साइड की रेसिपी है जो मैंने अपनी माँ से सीखी, और हमारे घर में ये बड़ी कॉमन है, बहुत पसंद की जाती है, सब लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। और मेरी माँ ने भी अपनी माँ से ही सीखी थी, और शायद नानी ने भी अपनी माँ से सीखी होगी जो कि मेरी पर नानी थी। तो इसी तरह से फैमिली ट्रेडिशंस और रेसिपीज़ आगे बढ़ती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, और वो फैमिली में ही रह जाती हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं इस रेसिपी को आगे बढ़ाऊं और आप लोग को भी बताऊं ताकि आप भी इंजॉय कर सकें एक सिंपल और बहुत ही अमेजिंग डिफरेंट टेस्ट वाली रेसिपी, और इसलिए मैंने इसको शेयर किया। अगर आप लोग को पसंद आए तो आप भी आगे शेयर करिएगा। इसी बीच देखिए ये मटन फ्राई हो गया, मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, और ये वही पानी है जो मैंने जार धो लिया था ताकि हमारा मसाला ना वेस्ट हो। तो ये मैंने पानी डाल दिया है इसमें, क्योंकि मटन गलने में टाइम लगेगा और उसमें लगेगा हमारा 1/2 घंटे से 1.25 घंटे तक, तो इसमें पानी की और ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं पानी डाल देती हूँ इसमें 1/2 कटोरी और अब इसको हम ढाँक के रख देते हैं, धीमी आंच पे गलने के लिए छोड़ देते हैं, और इसमें अब हमें कुछ नहीं करना, बस ये धीमी आंच पे धीरे धीरे गलेगा और उसी में इसका टेस्ट डेवलप होगा। अगर आपकी भी फैमिली में कोई स्पेशल हर दिल अजीज़ रेसिपी है, वेज और नॉन वेज कोई भी, अगर आप उसको शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कर सकते हैं रेसिपी के साथ, और मैं उस रेसिपी का वीडियो बनाऊंगी, आपका नाम लूंगी उसमें। अब ये मटन को गलते हुए 1/2 घंटा हो गया, मैं चेक करती हूँ। तो चलिए इसका एक पीस चेक करते हैं, पानी तो इसका ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, तो अब इसको चेक करते हैं। तो एक उसमें पानी डाल के इसको ठंडा कर लेती हूँ मैं, क्योंकि
अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, पूरी तरह से नहीं गला है ये, तो इसमें हम क्या करते हैं इसको 10 मिनट के लिए और पानी डाल के रख देते हैं और ये पूरी तरह से गल जाएगा। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, अब ये गोश्त पूरी तरह से गल चुका है, अब हम इसको भूनेंगे। तो मैं अब आँच को थोड़ी सी मीडियम कर लेती हूँ और इसको हम भूनते हैं और इसमें डाल देते हैं ये हरी मिर्च कटी हुई। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कर लीजिए कि अगर ज़्यादा स्पाइसी रखना है या कम स्पाइसी रखना है, मिर्च को आप अपने हिसाब से बिल्कुल एडजस्ट कर लें। और इसको हम भूनेंगे और इसके साथ साथ इसमें डाल देंगे ये हरी धनिया। इसको इसके साथ करीब 5 मिनट तक और अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये पूरा भुन जाए, सूख ड्राई हो जाए बिल्कुल। और ये बहुत ही लजीज गोश्त होता है, बहुत ही सिंपल। आपने देखा कि कितनी आसानी से ये बन गया, ज़्यादा मेहनत हमको नहीं करना पड़ी और टेस्ट में बहुत ये लाजवाब होता है, इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार टेस्ट होता है। इसको आप ऐसे ही खा जाएंगे, ये इतना मज़ेदार है, ना आपको इसमें चटनी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अपने आप ऑलरेडी ये स्पाइसी है और आप ऐसे ही इसको इंजॉय कर सकते हैं। हमारा देखिए पूरी तरह से ड्राई हो गया मसाला और ये रेडी है, अब हम इसको सर्व करते हैं। हमारी रेसिपी जो कि बकरीद स्पेशल रेसिपी है, नमक मिर्च ड्राई मटन बिल्कुल रेडी है, तो जो कि बनाने में आपने देखा कि बहुत ही आसान थी, बहुत ही कम मसाले पड़े हैं, पर टेस्ट में बिल्कुल ये अमेजिंग टेस्ट है इसका, बहुत ही अच्छा है। मेरे घर में ये आए दिन बनती है, सबकी बहुत फेवरेट है, तो आई होप कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। बकरीद में वैसे भी गोश्त की बहुत इफ़राद रहेगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको और मेहमानों को ज़रूर खिलाएं इससे। तो इस बार आपके पास एक बहुत ही आसान रेसिपी है जो कि बहुत ही अच्छी रेसिपी है और झटपट बन भी जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपके पास डिफरेंट तरह के आइटम्स भी रेडी हो जाएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और आप मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है, प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में, वो भी होगी बकरीद स्पेशल। तो ज़रूर देखें समत किचन को, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ समत किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।